हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम इस वीडियो में देखेंगे वोल्केनोज के बारे में, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो सबसे पहले व्हाट इज वोल्केनो? वोल्केनो उस इवेंट को कहते हैं जब जमीन के अंदर का ये जो गर्म चीज़ है, गर्म मैग्मा, वो ऊपर आ जाता है, वायलेंटली फट जाता है, तो इस इवेंट को कहते हैं वोल्केनो। अब ये इवेंट या ये वोल्केनो कहाँ से हो रहा है? तो वो हो रहा है अर्थ मेंटल हैज अ वीकर जोन। अर्थ के तीन लेयर्स हैं। इस अर्थ के कितने लेयर्स हैं इसके बारे में मैंने डिटेल एक वीडियो में बता दिया है, पिछले वीडियो में। अगर आपने वो नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके देखिए। अभी मैं यहाँ पे बता देती हूँ कि अर्थ हैज़ अ थ्री लेयर्स। तो उसका जो दूसरा लेयर है वो कहलाता है मेंटल, और उस मेंटल के जो ऊपरी भाग है वो कहलाता है एस्टिनोस्फियर। तो इसी एस्टिनोस्फियर से ये मैग्मा ऊपर आ जाता है। सो द मटीरियल इन द अपर पोर्शन ऑफ द मेंटल इज कॉल्ड मैग्मा, एंड दिस सेम मैग्मा व्हेन कम्स आउट इज कॉल्ड एज द लावा। तो जब ये मटेरियल अंदर होता है, ये वाला गर्म चीज़ जब ये अंदर होता है तो तब ये कहलाता है मैग्मा, और जब ये बाहर आ जाता है, जमीन के ऊपर आ जाता है क्रस्ट पर, तब वो कहलाएगा लावा। सो द मटेरियल दैट रीचेस ग्राउंड इंक्लूड एशेज, डस्ट, लावा, वेल्केनिक बॉम्ब। तो देखिए, यहाँ देखिए, जब ये बाहर आता है तो इसके साथ क्या क्या ला रहा है? वो रॉक के मटेरियल ला रहा है, गैसेस ला रहा है, ऐश ला रहा है, और भी कई सारे एलिमेंट्स जो जमीन के अंदर है वो बाहर आ जाते हैं इसके साथ। ता है मोड ऑफ वोल्केनिक इरप्शन, यानी वोल्केनिक इरप्शन के आधार पे इन वोल्केनो को अलग अलग हिस्सों में बांटा है, और इरप्शन के आधार पे ये हैं पाँच, यानी शील्ड, कंपोजिट, कैल्डेरा, फ्लड, बेजाल्ट एंड मिड ओशनिक। और उनके पीरियड के ऊपर, वो कितने टाइम पे उत्पन्न होते हैं, उनके आधार पे भी इनको तीन हिस्सों में बांटा है। अब इन सारों के बारे में हम डिटेल में देखेंगे। तो सबसे मेजर टाइप्स में शील्ड वोल्केनोस, सो दीज आर दी लार्जेस्ट ऑफ ऑल दी वोल्केनोस ऑन दी अर्थ। तो जितने भी वोल्केनोस होते हैं उन सब में बड़े वाले कहलाएंगे शील्ड वोल्केनोस। ये शील्ड नाम इसलिए पड़ा क्योंकि इनका जो फॉर्मेशन है वो शील्ड की तरह दिखेगा। जो वॉरफेयर में जो शील्ड यूज होता है उसकी तरह इनके फॉर्मेशन होते हैं। सो मोस्टली दीज आर मोस्टली मेड अप ऑफ दी बसाल्ट, अ टाइप ऑफ लावा दैट इज़ वेरी फ्लूइड व्हेन इरप्टेड। तो ये ज़्यादातर, इनसे शील्ड वाले वोल्केनो से ज़्यादातर मटेरियल आएगा बसाल्टिक लावा, और ये ज़्यादा थिक नहीं होते हैं, फ्लूइड होते हैं, इसलिए ये इस तरह से बह जाते हैं। एंड दे आर ऑल्सो नॉट वायलेंट, तो नॉन वायलेंटली ऊपर फटते हैं। सो अपकमिंग लावा मूव्स इन द फॉर्म ऑफ अ फाउंटेन एंड थ्रोस आउट द कोन एट द टॉप ऑफ द वेंट एंड डेवलप इंटू सिंटर कोन। तो जो ये वायलेंट नहीं है, क्वाइटली आ रहे हैं, और बसाल्टिक टाइप है, और ज़्यादा थिक भी नहीं है, तो ये फाउंटेन की तरह आएगा और एक पूरा सिंडर की तरह इसके फॉर्मेशन बनेंगे। नेक्स्ट है कंपोजिट वॉल्केनो। दीज वॉल्केनोज आर कैरेक्टराइज बाई इरप्शन ऑफ कूलर एंड मोर विस्कस लावाज देन दी बसाल्ट, एंड दे आर ऑफन एक्सप्लोजिव इरप्शंस। तो एक्सप्लोजिव या वायलेंटली हम तब कहेंगे जब ये ज़्यादा फोर्स से शूट होंगे। तो ये कंपेयर टू शील्ड, ये बहुत ज़्यादा वायलेंट होते हैं और इरप्शन इनका ज़्यादा होता है। यहाँ पे देखिए, इनका टिपिकल पिक्चर ये है। तो यहाँ से वेंट, ये पाइप यहाँ से आएगा और ज़्यादा वायलेंटली फटेगा, तो इस वजह से इनके जो फॉर्मेशन, इनका जो लैंडफॉर्म है वो इस तरह का होगा। अलॉन्ग विद लावा लार्ज क्वान्टिटीज ऑफ पैराक्लास्टिक मटीरियल एंड एशिज कम्स आउट टू द सर्फेस। तो लावा, लार्ज क्वांटिटीज ऑफ पैराक्लास्टिक मटेरियल किसी में पूछे जाएंगे या किसी में है, तो वो याद रखे कंपोजिट में होते हैं। तो जब भी ये वायलेंटली फटेंगे तो इनके साथ जितना भी मटेरियल होगा वो ज़्यादा बाहर आ जाएगा। सो दीज आर द कंपोजिट वॉल्केनोज। दिस मटमलेट्स इन द विसिनिटी ऑफ द वेंट ओपनिंग लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ द लेयर। यानी जो विसिनिटी है इसका, जो बाहर आने का जो माउथ है, उसके पास ये सारा मटेरियल जमा होते जाएगा, फिर इस वजह से यहाँ अलग अलग लेयर्स बनते जाएंगे। तो एग्जाम्पल, इसका फेमसली एक एग्जाम्पल है माउंट फूजी इन द जापान। नेक्स्ट है कल्डेरा। दीज आर द मोस्ट एक्सप्लोजिव ऑफ द अर्थ वेल्केनोज। तो ये कल्डेरा के जो वोल्केनो हैं ये इतने वायलेंट, ये सबसे ज़्यादा वायलेंट और सबसे ज़्यादा एक्सप्लोजिव फोर्स के साथ ये ऊपर शूट होते हैं, और इसी फोर्स की वजह से वो कोई भी लैंडफॉर्म नहीं बना पाते। वो ना शील्ड बना पाते हैं, ना कोई सिंडर बना पाते हैं, बल्कि वो अपने आप में ही धंस जाते हैं। सो द कोलैप्स डिप्रेशन आर कॉल्ड द कल्डेरा। तो वो जब वेल्केनो बाहर आएगा, कोई लैंडफॉर्म नहीं बनाएगा, वो पूरा वेल्केनो का पूरा मटेरियल अंदर धस जाएगा अपने अंदर, फिर उस वजह से जो डिप्रेशन बनेगा, जो होल बनेगा, वो कहलाएगा कल्डेरा। सो नेक्स्ट इज द फ्लड बसाल्ट प्रोविंस। दीज वोल्केनोज आउटपुर हाईली फ्लूइड लावा दैट फ्लोज फॉर अ लॉन्ग डिस्टेंस। यानी यहाँ पे देखिए, ये वाले जो फ्लड बसाल्ट प्रोविंस वाले हैं, ये वोल्केनो सबसे अलग हैं। इनके लैंड फॉर्मेशन भी बिल्कुल बहुत अलग है,
अलग, यानी यहाँ देखिए वोल्केनो यहाँ से ऊपर आ रहा है, ऊपर आके उन शील्ड या उन कंपोजिट की तरह नहीं है, बल्कि ये कई स्क्वायर किलोमीटर तक फैला हुआ है। इस तरह से पूरे एरिया में फैल के ये लैंडफॉर्म को इन्फ्लुएंस करते हैं। सो सम पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड आर कवर्ड बाय द थाउजेंड्स ऑफ स्क्वायर किलोमीटर ऑफ द थिक बसाल्ट लावा फ्लो। तो वही यहाँ पे ये कई स्क्वायर किलोमीटर तक फैले हुए हैं, और इनका एक टिपिकल फेमस एग्जाम्पल है हमारा डेक्कन प्लेटू इंडिया का, जो कि कवर कर रहा है मोस्टली महाराष्ट्र प्लेटू। तो जो महाराष्ट्र प्लेटू में हम ज़्यादातर देखते हैं प्रोविंस, उसका वो बना है फ्लड बसाल्ट प्रोविंस से, इसी वजह से हमें वहाँ पे इग्नियस रॉक ज़्यादा मिलते हैं। सो नेक्स्ट नेक्स्ट आता है मिड ओशनिक रिज वॉल्केनोस। तो दीज वॉल्केनोस अकर इन द ओशनिक एरियाज। तो जो चार वॉल्केनोस हमने देखे पिछले, ये सारे हो रहे हैं ज़मीन के ऊपर, कॉन्टिनेंट के ऊपर। तो उसी तरह यहाँ ओशन में भी तो लावा आएंगे, ओशन क्रस्ट से भी तो बाहर कुछ मैग्मा आएगा, तो ओशन के ऊपर जो वोल्केनो होंगे वो कहलाएंगे मिड ओशनिक रिज वोल्केनोस। सो देर इज अ सिस्टम ऑफ मिड ओशनिक रिजेस मोर देन 70,000 किलोमीटर लॉन्ग दैट स्ट्रेचेज थ्रू ऑल द ओशन बेसिन। तो जैसे कि मैंने बताया कि सारे ओशंस पे ये वाले वोल्केनोस होते हैं, और ये वो सारे वोल्केनोस हर ओशन में मौजूद हैं। सेंट्रल पोर्शन ऑफ दिस रिज एक्सपीरियंसेस फ्रीक्वेंट इरप्शन। तो जो हमारे वोशन हैं उनके सेंट्रल पार्ट में ये वाले फ्रीक्वेंटली इरप्शंस होते रहते हैं, और ये टिक बेल्ट। तो अभी मिड ओशनिक रिज वोल्केनोस हर ओशन में होते हैं, तो जो एटलांटिक में वो वोल्केनो हो रहे हैं वो इसलिए हो रहे हैं बिकॉज वहाँ के जो प्लेट्स हैं वो एक दूसरे से मूव कर रहे हैं अलग अलग डायरेक्शन में, और इस मूवमेंट को कहते हैं स्प्लिटिंग जोन्स ऑफ द प्लेट्स, और इन अदर वर्ड्स टू प्लेट डाइवर्ज इन अपोजिट अपोजिट डायरेक्शन फ्रॉम मिड ओशनिक रिज। अब बात आती है प्लेट यानी क्या। प्लेट जमीन का जो लिथोस्फियर है, क्रस्ट और मेंटल का ऊपर पार्ट को मिला के कहते हैं लिथोस्फियर। इस लिथोस्फियर को अलग अलग प्लेटों में भाग किया गया है। सेवन मेजर प्लेट्स हैं और कुछ माइनर प्लेट्स हैं। तो ये जो प्लेट्स हैं नीचे जमीन के नीचे, वो कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं। उसी मूवमेंट की वजह से ये फ्रिक्शन आ जाता है, उसी फ्रिक्शन की वजह से ये वोल्केनोस अर्थक्वेक ऐसे जलजले हम देखते हैं। तो जो अटलांटिक में जो वोल्केनो हो रहा है वो इसलिए हो रहा है कि वहाँ के प्लेट एक दूसरे से डाइवर्ज कर रहे हैं। सो नेक्स्ट सरकम सरकम पैसिफिक बेल्ट। जो पैसिफिक में जो वोल्केनो हो रहे हैं, ऑल्सो नोन एज दी वोल्केनिक जोन ऑफ दी कन्वर्जेंट ओशनिक प्लेट्स। तो यहाँ के जो प्लेट्स हैं वो आपस में टकरा रहे हैं, कन्वर्ज हो रहे हैं, इन इसी वजह से यहाँ पे पैसिफिक में ज़्यादातर वोल्केनोस होते हैं। एंड दिस बेल्ट इज ऑल्सो कॉल्ड एज दी फायर रिंग और रिंग ऑफ दी फायर ऑफ द पैसिफिक ओशन। तो जो पैसिफिक ओशन का जो पूरा बेल्ट है, पूरा जो उसका इलाका है एरिया, उसके कोस्ट पे लगातार हमेशा वोल्केनो होते हैं, और वो वोल्केनो इसलिए हो रहे हैं कि ये पैसिफिक ओशन का बेल्ट, पैसिफिक प्लेट एंड प्लस उसके साइड में बहुत सारे माइनर प्लेट्स हैं, और ये कंटिन्यूसली या तो कन्वर्ज हो रहे हैं या उनसे डाइवर्ज हो रहे हैं। इन्हीं खींचातानी की वजह से यहाँ पे ज़्यादातर वोल्केनोस होते हैं। सो नेक्स्ट वोल्केनो को बांटा गया है बेस्ड ऑन दी पीरियड, उनके टाइमिंग के ऊपर भी वोल्केनो को बांटा गया है। तो सबसे पहले आएगा एक्टिव, विच आर कंस्टेंटली इजेक्ट वोल्केनिक लावा गैस एशिज एंड फ्रेगमेंटेड मटेरियल। तो एक्टिव ऑब्वियसली नाम से पता चलता है कि जो वोल्केनोस ऑन है, ओपन है, उनको कहेंगे एक्टिव। और एग्जाम्पल्स हैं एटना एंड स्टम्बोली ऑफ मेडिटेरियन सी आर द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस एक्टिव फॉर्मेशन। मोस्ट ऑफ द एक्टिव वोल्केनोस आर फाउंड अलॉन्ग द मिड ओशनिक रिज। तो जैसे बोला पहले कि रिंग ऑफ फायर पैसिफिक ओशन पे ज़्यादातर वोल्केनोस हो रहे हैं, तो ये ज़्यादा एक्टिव वाले वहीं पाए जाते हैं। देन नेक्स्ट आता है डोरमेंट, विच बिकम क्वाइट आफ्टर देयर इरप्शन फॉर सम टाइम एंड देयर आर नो इंडिकेशन ऑफ फ्यूचर इरप्शन बट सडनली दे इरप्ट वेरी वायलेंटली। तो डोरमेंट उनको कहेंगे पहले एक बार हो चुके हैं, फिर कई अरसे तक उनका कोई नाम निशान नहीं, कोई इंडिकेशन नहीं, बट सडनली वो फिर वापस आ जाते हैं। नेक्स्ट आता है विसुवियस वोल्केनो इज द बेस्ट एग्जाम्पल विच हैड इरप्टेड इन 79 AD। फिर वो 1631 तक क्वाइट रहा, फिर 1631 में सडनली वायलेंटली इरप्टेड। तो ये डोरमेंट का एक एग्जाम्पल है। नेक्स्ट आता है एक्सटिंक्ट, कंसिडर एक्सटिंक्ट व्हेन देयर इज नो फ्यूचर इंडिकेशन ऑफ इरप्शन। तो एक्सटिंक्ट उसे कहेंगे कि वो पूरी तरह से बंद हो चुके हैं, बिल्कुल उनका कोई इंडिकेशन नहीं, कोई साइन नहीं, बट एक्सटिंक्ट है या डोरमेंट है वो हमें ठीक से नहीं बता सकते हैं, बिकॉज अर्थ के नीचे क्या मूवमेंट हो रहे हैं वो वक्त ही बताएगा। सो द क्रेटर इज फिल्ड अप विद द वाटर एंड द लेक्स आर फॉर्म्ड। तो ये एक्सटिंक्ट जहाँ पे हुए हैं वोल्केनोस, वो ऊपर का जो जो उसका फॉर्मेशन है, क्रेटर बना होगा खड्डा, तो
तो वहाँ पे वाटर है या लेक्स हैं इस तरह बने होंगे, तो उनको उन साइंटिस्टों ने एक्सटिंक्ट करार दिया है। सो नेक्स्ट आता है एक टॉपिक लास्ट में, लैंड फॉर्म्स एसोसिएटेड विथ वेलकेनोस। तो एक्सट्रूसिव वॉल्केनोस, कंपोजिट कोन्स, हाईएस्ट ऑफ दी ऑल वॉल्केनोस। तो अभी तक हमने जो देखा कंपोजिट शील्ड, ये सारे एक्सट्रूसिव ही हैं। तो ये बाहर आ रहे हैं, बाहर आके लैंड को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, वो अपना शील्ड बना रहे हैं, कोन बना रहे हैं, सिंडर बना रहे हैं। तो ये सारे एक्सट्रूसिव वॉल्केनोस के लैंड फॉर्म है। उसके अंदर सबसे पहला कंपोजिट, जैसे पहले बताया हाईएस्ट ऑफ ऑल दी वॉल्केनोस, फिर शील्ड आएगा, शील्ड कोन्स, उसका बेस्ट एग्जाम्पल है हवाइन टाइप, डिप्रेस फॉर्म एग्जाम्पल क्रेटर्स एंड कल्डेरास। तो जो कल्डेरा के जो वॉल्केनोस है वो ज़्यादातर क्रेटर्स बनाएंगे लेक की तरह, डिप्रेशन। तो ये एक्सट्रूसिव वॉल्केनोस के लैंड फॉर्म है। और एक जो इंट्रूसिव फॉर्म, जो क्रस्ट के अंदर भी लैंड फॉर्म बन रहे हैं, वो है फेमसली बैथोलिक, लैकोलिथ, डाइक्स, लेपोलिथ और ये सिल्स। यानी यहाँ पे देखिए ये जो लावा है, ये पूरा लावा है, ये ऊपर आके इस तरह से ये वॉल्केनो तो बना रहा है, लेकिन अंदर कुछ ऊपर नहीं आ पा रहे, वहीं पे फंस गया है। तो इनके जो फॉर्मेशन है, इन फॉर्मेशन के आधार पे इनको अलग अलग नाम दिया है। तो सबसे पहला ये बैथोलिथ, यानी ये मैग्मा जो बहुत बड़ा हिस्से में फैला हुआ है, तो जो बड़ा मैसिव लैंड फॉर्म बन रहा है अंदर, उसको कहलाए वो कहलाएगा बैथोलिथ। डाइक्स यानी बिल्कुल क्रस्ट के पास ऊपर जो पाइप बनेंगे उनको डाइक्स कहेंगे। लैकोलिथ जो माउंटेन की तरह क्रस्ट के पास ही होंगे, बट डाइक से थोड़े बड़े होंगे। तो इनके लैंडफॉर्म के शेप्स की वजह से, इनके फॉर्मेशन के बेसिस पे इन्हें नाम दिया है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, दैट्स इट।